मैंने आपका तारुफ, दूसरा तारुफ जो है आपका, आप खैर एक बहुत मशहूर मुसव्विर हैं, लेकिन आपका एक और भी तो तारुफ है ना, सादत हसन मंटू। सादत हसन मंटू के आप माशाल्लाह दामाद भी हैं, ठीक है, नेफ्यू भी, और उनके आप नेव्यू भी हैं, क्योंकि ये सारा फैमिली एक ही तो फैमिली थी, पुराने कश्मीरी ख़ानदान हैं आप, और कश्मीर से आप लोग पहले नकल मकानी करके, कूच करके पंजाब आए, और फिर वहाँ से आप पाकिस्तान आए, ईस्ट पंजाब से आप लोग पाकिस्तान आए। तो शाहिद आपके वालिद के मामू थे सादत हसन मंटो, और उस ज़माने में जबकि आप बात करें, क्योंकि आपकी भी पैदाइश मेरा ख्याल है पाकिस्तान के साथ ही हुई, साथ ही हुई, यू आर अ मिडनाइट्स चाइल्ड, तो उस वक्त आपके मामू और होने वाले ससुर मच लेटर वॉज इन बॉम्बे एट द टाइम, एंड देन ही चोज टू माइग्रेट टू पाकिस्तान अ फ्यू इयर्स लेटर आफ्टर वी हैड अराइव्ड, आफ्टर यू हैड अराइव्ड, सो व्हाट हैपेंड? उन्होंने उनकी कहानी अगर आप पढ़ें, मुरली की धुन, श्याम के साथ जो उनका इंटरेक्शन है, वो फिल्मों के अंदर भी उन्होंने बताया, वो उनको पता चल गया हुआ था कि हिंदूज डोंट वांट इट, शांताराम वगैरह सारे कट्टर हिंदू थे, हालांकि उनके जो दोस्त थे अशोक कुमार और भी मुसलमान हैं इधर, बट मंटो भी ने कहा कि नहीं, मैं तो पाकिस्तान जाऊँगा, सारी फैमिली भी चली गई हुई थी, मेरा ख्याल ये सबसे बड़ी पुल थी कि फैमिली चली गई हुई थी। आप उनको मंटो अब्बा जी कहते थे? मंटो अब्बा जी, हाँ, मंटो अब्बा जी, बिकॉज ही वाज द एल्डेस्ट, तो ही वाज क्वाइट हैप्पी कमिंग, वंस ही वाज इन लाहौर, जब उन्होंने देखा ना कि पारसी भी हैं, क्रिश्चियन भी हैं, एंग्लो, उस ज़माने के एंग्लो दो किस्म के होते थे, एक तो आई मीन बिल्कुल अंग्रेज़ की तरह, हमारे सामने वाले फ्लैट में एक फैमिली रहती थी जो हम समझते थे अंग्रेज़ हैं, वो रह गए हुए पीछे, मगर देवर एंग्लो इंडियंस, और कुछ थे जो लोकल उनके साथ थे, और पारसी फैमिलीज जो थी उनके साथ बड़ी दोस्ती थी, सो हम लोग वी ऑल ग्रो अप इन एन एटमोसफेयर जहाँ वी हैड ट्रेमेंडस रिस्पेक्ट फॉर एवरीबडी। आई मीन अभी तक मुझे, मैं आग नहीं बुझा सकता पाँव के साथ, हमारे जो थे पारसी दोस्त वो कहते बहुत बड़ा गुनाह है कि अगर तुम करो, मैं नहीं, अभी तक दिमाग उस बचपन से है, तो उस माहौल में आप रचे हुए थे। अच्छा, तो ये बताइए कि आपके वालिद साहब मरहूम हामिद जलाल मंटू के भांजे थे जी, और उनकी बड़ी दोस्ती थी क्योंकि उम्र में इतना फासला नहीं था, और उनके आपके सामने जब वो वहाँ पर आए, बॉम्बे से आए, तो आप कम अज़ कम 7-8 साल के थे जब उनका इंतकाल हुआ, हाँ, तो आप उनको अच्छी तरह से आप वो याद होंगे आपको, तो उनकी कोई यादें हमें बताएं। यादें क्या होनी, आई वॉज नॉट अ वेरी पॉपुलर गाय एज फार एज मंटू अब्बा जी वॉज कंसर्न्ड, मेरी सारे वक्त लड़ाइयाँ होती थी उनकी बेटी के साथ, एक दूसरे के बालम नोच, जो आपकी फिर बाद में बीवी बन गई, नहीं, नहीं, बीवी नहीं, अच्छा उनके साथ होता, उसकी बड़ी बहन, उनकी बड़ी बहन नुजरत, बहुत लड़ते थे हम, तो सारा वक्त कहते लहजा जकिया नहीं उतर लहजा, बड़ा तो खैर मेरी तो हिस्टोरिकली वो ये हो गया, मैंने मंटो, माय फादर हैज रिटन अ वंडरफुल आर्टिकल ऑन मामू मंटो, दैट्स राइट, जिसमें आई हैव बीन एक्सपोज्ड एज अ ट्रेटर, मंटो अब्बा जी की फौतकी से एक हफ्ता पहले उनको मैं खेल रहा था बाहर, तो बाथरूम हमारे बाहर खुला करते थे, तो उन्होंने ही vomited blood, because a lot of blood, had cirrhosis of the liver, cirrhosis of the liver, so he was cleaning the floor and he looked at me and says dasi na kisi nu nahi to mere ko koi bura nahi hoga, I of course didn't listen to him and went and told everybody in the house, karo ambulances aayi aur unko le gaye and he died within a few weeks, but I mean pyar bhi bada karte the, after all मैं उनका नेफ्यू था, आमिद का बेटा, मगर ये था कि आई वाज अ न्यूसेंस एज वेल, यू वर अ न्यूसेंस, नाइस ऑफ यू टू एडमिट दैट शाहिद एट दिस लेट स्टेज इन योर लाइफ। बेगम साहिबा, मैंने इसी घर में कई साल पहले एक इंटरव्यू किया था जो मुझे आज तक नहीं भूलता, अच्छा, वो इंटरव्यू था इकबाल बेगम का, अच्छा, और इकबाल बेगम मंटू साहब की बहन थी, और मैंने उनको यहाँ एक इंटरव्यू किया और मैंने उनसे सारी मंटू साहब की बचपन की यादें दरियाफ्त की, और मुझे एक ख़ास जो उन्होंने एक कहानी सुनाई वो भूलती नहीं, मैंने उनको कहा कि बेगम साहिबा, अगर आप अपने भाई को चंद अल्फाज में
डिस्क्राइब कर सकें तो आप उनके बारे में क्या कहेंगे? आपा इकबाल जी। तो वो मुझे कहने लगी पंजाबी में कि सादत दिया गल सी कि सादत न डर सी, बिल्कुल न डर सी, और सारी जिंदगी सादत न डर रहा। तो मैंने कहा कैसे, तशरीह कीजिए। कहने लगी जिसले असी निके निके होंदे सां ते असी रहंदे सां लुधियाने दे नेड़े, ते उत्थे सादत ने सवेरे सवेरे गलियां विच नस भजना, निकल पैना, अम्मी उन्होंने पिछों आवाज़ां देनियां किथे चले हैं किथे चले हैं, ते मैनू कहना दे मगर जा पता नहीं की करन चले हैं। तो कहने मैनू आखन लगे कि मैं उन्होंने मगर नस के पिछे भजना कि सादत रुक जा। मैंने जिस तरह उन्होंने फिर आवाज़ लाई ना अपने पिरा नू, वो भी मेरे कन्ना च गूंजदी है जिवें सादत ठहर जा, सादत वे सादत ते ना कर सादत किथे चले हैं। तो आखन लगे कि आ जा के सादत हसन मंटो ने, निका जहा सादत हसन मंटो 6-7 साल की उम्र, आ जा के खूह ते चलिया जाना, खूह ते चलिया जाना, तो खूह ते जा के विच लत्तां पा के, बिल्कुल खूह दी सिरी ते बह के विच लत्तां पा के ना, तो उची उची गाना शुरू कर दे। तो लोकां आसे पासे कहना ऐ विच ऐ डह पैगा तो की होवेगा, ऐ डुब जाएगा, इनू खिचो बाहर कढो। तो कह के मैं वावेला करना, लोगों ने इकट्ठिया हो जाना, फिर उन्होंने खिच तरू के बाहर करी दस। कहते सन एक दिन कभी इस तरह बह जाना, फिर जाके कभी सिरी तो उत्ते बह के तो अपना बिल्कुल पुठिया होकर तो सिर पिछे करके लटका लेना खूह दे विच। सोचो कि खूह दे विच सिर लटका लेना 6-7 साल का बच्चा। तो लोगों ने और अम्मी ने और कहते खानदान ने वावेला करना, लेकिन सादत न डर सी, डर बिल्कुल न डर सन। And did that sort of... उन्हें तुम्हें कहानी नहीं सुनाई जो उनकी नडर होने की? ये तो 7 साल की ना, 9 साल की उम्र में अमृतसर में जब वो थे तो उस ज़माने में हिंदुओं का बड़ा है ना, वो आग जलाते हैं और उस पर वो चलते हैं। तो जो मदारी था उसने कहा कौन मेरे पीछे चलेगा? ऑफ कोर्स मंटू अब्बा जी अभी शलवार ऊपर करके आग के ऊपर चल पड़े। 9 साल की उम्र, 9 साल की उम्र। एंड नथिंग हैपेंड। तो पता नहीं कुछ करते होंगे कुछ, बट दिस इज सिम्प्टोमेटिक। तो ये फिर ये उनकी शख्सियत थी, बचपन से ये उनकी शख्सियत थी। तो शाहिद डिड यू सी दैट साइड ऑफ हिम? नो, वी सॉ द बैड साइड जब वक्त ख़त्म हो गया हुआ था। लेकिन उनके ऊपर वो मुसीबतें जो थी ना वो सारा वक्त आ रही रहती। फाइनेंशियल मुसीबत बहुत थी जी। मेरे वालिद क्योंकि भांजे थे, हाँ भांजे, और काम करते थे, तनख्वाह उनकी आती थी रेगुलरली, एट अ कॉमन सिस्टम, खाना इकट्ठा खाना सब कुछ करना। मगर उनकी 25 रुपए की कहानी बिकती थी, लेटर ऑन उससे भी कम। तो पैसे नहीं होते थे उनके पास, फाइनेंशियल वो भी मुश्किलात थी। फिर उनकी जो सेहत का मामला था, जो उनका लिवर इम्पैक्ट हो चुका था बिकॉज ऑफ हिज हैबिट्स, वो भी मामला था। फिर उसके बाद जो भी वो तसानीफ लिखा करते थे वो भी लोगों को गवारा नहीं थे। तो क्या उन्होंने कभी ये सोचा था कि मैं बम्बई में ही रह जाता तो बेहतर रहता? ये उन्होंने, देखो उन्होंने अपने मुतलिक सब कुछ लिख चुके हुए। उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि मिस तो बहुत करते थे अपने दोस्तों को सबको। जब श्याम आया था एक दफ़ा लाहौर, उसने कहा मंटू यार चल वापस चल, नहीं गए। हालांकि उनको काम मिल जाता कंपनीज में, मगर बात यह है कि मेरी नज़र में यह है कि बिकॉज हिज बेस्ट वर्क वाज रिटन इन पाकिस्तान बिकॉज ऑफ दिस पार्टीशन, बिकॉज ऑफ द पार्टीशन, दैट वाज हिज रियल म्यूज, यू नो द पार्टीशन वाज एक्चुअली हिज म्यूज। वो कई बहुत गजब की कहानियां इंडिया में लिखी हुई हैं, लाइक बू और सड़क के किनारे वगैरह, लेकिन टोबा टेक सिंह, खोल दो क्या हौलनाक कहानी है। वो सब चीज़ें पार्टीशन के बाद की लिखी हुई हैं और वो पार्टीशन के एक्सपीरियंस के बारे में है। दैट इज़ व्हाट ब्रॉट आउट द रियल आर्टिस्ट इन हिम। उनकी ऑफ कोर्स वो भी है जो बड़े सबसे मज़ेदार। देखो पैसे नहीं होते थे मगर ये अमेरिकन समझते थे कि शायद ये उनको उनके लिए लिखेंगे। तो उन्होंने आए थे, मुझे याद है, बड़ी बड़ी गाड़ियों में आए थे और उन्होंने कहा जी हमारे लिए लिखे आप। तो उन्होंने 7 letters to Uncle Sam लिखे
जो मैं आई वुड रिकमेंड एनीबॉडी हु इज इंटरेस्टेड टू रीड देम कि वो अभी तक 70 इयर्स लेटर दे आर स्टिल वैलिड एज वैलिड टुडे. बेगम साहिबा, शाहिद साहब ने तो अपनी याद सुना दी हमें मंटू साहब के बारे में. आपको भी याद होंगे, आप भी वहीं रहती थी जी. क्या याद है आपको? एक कुर्सी थी जो कि दरवाजे के साथ थी, उसमें बैठे होते थे, घुटने ऊपर किए होते थे, आगे कुछ रखा होता था.